ले ले तो सर ये आज पहली चाल रही। हाँ कटाकर जी कैसे बनाते हैं आप? कल से कानून एक जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गहलोत सरकार ने लागू किया है तो उसको अमल में लाने के लिए आज आपकी ओर से क्या कार्रवाई की गई? हमको राज्य सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर जो राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला को प्रतिबंधित घोषित किया है उसी के अनुसरण में हम हमारे राज्य सरकार के सर्कुलर के अनुसार और राज्य सरकार के 19-20 के बजट बिंदु संख्या 100 के अंतर्गत हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। ऐसा देखा जाएगा कि अपने प्रदेश के जो युवा है नशे की लत में ज़्यादा खो रहे हैं और ये पान मसाला सुपारी वगैरह इसमें कई हानिकारक पदार्थ भी तत्व भी मिलाए जाते हैं जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मिनरल ऑयल है, उसमें कई तंबाकू भी साथ में हो सकता है और तो इससे कैंसर होने की संभावना होती है। और अपने जैसे कि देखा जाता है अपने राजस्थान प्रदेश में कई बार लाखों मौतें इस कैंसर से होती है, मुंह के कैंसर से होती है, तो इन सबको रोकने के लिए राज्य सरकार ने ये प्रभावी कदम उठाया और हम उसी के अनुसरण में आज बाड़मेर जिले में बाड़मेर सिटी में हम ये कर रहे हैं। हम अभी हमने ये हमारा तीसरी जगह हमारी कार्रवाई चल रही है और हम ये देखते हैं कि ये वास्तव में इस पर नियंत्रण जरूरी है और फूड एक्ट के अंतर्गत हम ये कार्रवाई करेंगे और हमारा स्टेट सेंट्रल लेबोरेटरी में हम ये सैंपल भिजवाएंगे। अगर इस सैंपल में अगर कोई तय मात्रा के अनुसार अगर सैंपल ठीक है तब तो ठीक है, अगर उसके अंदर कोई हानिकारक पदार्थ अगर शुद्ध हो प्रूव हो जाते हैं तो इस समस्त बैच का नष्टीकरण निर्माता के द्वारा ही किया जाएगा और सारी उसकी जिम्मेदारी फिक्स होगी और उसी के फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इसी के अंतर्गत हम ये कार्य करेंगे। सर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि आखिर ये पूरा एक्ट क्या है, मतलब किसी तरीके से चीज़ों पर पाबंदी लग रही है? नहीं, फूड एक्ट तो बिल्कुल स्पेसिफाई है इसमें क्या क्या चीज़ें हानिकारक है। हम समय समय पर लोगों को जागरूकता भी देते हैं, हमारे जैसे ये अभियान आते हैं इसमें भी हम देते हैं, पैम्पलेट के माध्यम से देते हैं। अब जैसे अगर हम देखें जाए तो अल्कोहल भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हिसाब से तो ये भी बंद ही होना चाहिए। इसके साथ साथ चाहे अपन के आप पान मसाला की बात करें, चाहे ई सिगरेट की बात करें, चाहे हुक्का बार की बात करें, इसमें सारा वो निकोटीन वगैरह होता है और जो भी ये पदार्थ वो बेंजीन युक्त पदार्थ होते हैं वो शरीर में कैंसर कर लंग के कैंसर करते हैं, कई ब्लड के कैंसर ब्लैडर के कैंसर करते हैं, तो ये अपने सरकार पर अतिरिक्त स्वास्थ्य का बोझ पड़ता है, बजट के उसमें स्वास्थ्य में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये इनको प्रभावी होना चाहिए और हम इसमें कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस जो एक्ट है उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए क्या प्लानिंग की गई है? नहीं, एक्ट तो बिल्कुल एक्ट प्रभावी ढंग से लागू हो चुका है राजस्थान में और हम उसी एक्ट के अंतर्गत ही कार्रवाई कर, हाँ थोड़ी संसाधनों की कमी है, ये राज्य सरकार द्वारा देते जाते रहेंगे उसी हिसाब से अपन प्रभावी कार्य करते रहेंगे।